यहाँ से हमारा एस डी एम साहब जाएंगे, एस पी जाएंगे, वहाँ पे उसका देखेंगे हम कितना एरिया ये सूट करता है, वहाँ पे नहीं करता है। जैसे इसमें अगर कोई कमी मिलती है तो वहाँ से उठा दिया जाए। कुछ आता उत्ता बता रहे हैं वहाँ पे, साथ में एक तो मेरे को पता नहीं था कहाँ जैसा है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि अगर नहीं कानून के विरुद्ध है वो तो उठा देंगे। हमें तो पता नहीं, पर लोग कह रहे हैं भी ऐसे बोल रही है शराब के बारे में कि ये शराब बेचते हैं, तो इनकी भी पूरी इंक्वायरी की जाएगी, बेचते हैं या नहीं बेचते हैं ये पता करना चाहिए। पुलिस करे या जो भी डी सी साहब ऑर्डर दें, करवाएं, कार्रवाई करवाएं इनके ऊपर भी। रात वारदात हुई है, उन्होंने इसको पीटा, उसमें भी कार्रवाई होगी। मैं मतलब पूरा ये करते हैं हम, इसकी हेल्प करेंगे, क्यों इतना मारा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हुई है बोले वैसे कार्रवाई, आप अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उन्होंने बोला कि जो इनका चल रहा है कवर हो गए, चक्रवाद जो उसको लीगल चल रहा है कि अनलीगल चल रहा है, वो स्कूल से कितने मीटर दूर है, मंदिर से मंदिर है वहाँ पर तो कितने दूर है, तो उसको उसकी बुमाश भी करवाते हैं। और एक पता चल रहा है उनका साथ में दो बात हूँ, तो मैं उन्होंने कहा कि उसको बंद करवा देते हैं अगर बिना लाइसेंस के चल रहा होगा। और एस पी और राजीव साहब को वो दो दिन भेजेंगे, और उन्होंने कहा कि दो दिन के बाद आपको हम बता देंगे कि ठीक है, अगर अनलीगल चल रहा होगा तो उसको उठा दिया जाएगा, अगर तो फिर धरना दिया जाएगा। उसके बारे में बाद में बात हुई, दो दिन रुक रहे थे हमारे मैम डी सी साहब ने जो रिस्पॉन्स दिया उसका इंतजार कर लेते हैं, बात हो रही है बात चक्कर जाकर बात बात कर दो दिन आप इंतजार कर लेते हैं मैम डी सी साहब को। ठेके के बारे में मतलब ठेका बंद करने के लिए हम मतलब कहीं ट्रांसफर कराना है ठेका या जो इनलीगल है उसकी जांच के लिए हम ए डी सी साहब को बोलेंगे और वो जाके जांच करेंगे कि ठेका लीगल है इनलीगल है, उसके बाद हम मतलब आगे कार्रवाई भेजेंगे, कल परसों तक भेजेंगे।